आज मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपकी जो टच प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। आपके मोबाइल की जो टच है ऑटोमेटिक ठीक है वर्क करती है या ऑटोमेटिक काम कर रही है, तो आप चला भी नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका फ़ोन है वो हैक हो चुका है तब ये ऑटोमेटिक चल रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन होती है नंबर एक। और दूसरा ये है कि आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम आ जाती है यानी कि डिस्प्ले ऑटोमेटिक वर्क करती है, वो आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं तब ये वो हो जाता है, ठीक है। तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है? देखो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर ये देखना है, अगर आप के फ़ोन पता है कि आपका फ़ोन हैक है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कोई एप्लीकेशन ओपन हो रही है उसमें टाइपिंग हो रही है ऑटोमेटिक, तो ये आपका फ़ोन हैक है, तो आपको अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर देना है, ठीक है। जो भी डाटा है आप किसी दूसरे फ़ोन में शेयर कर लीजिए और जल्दी से उसे फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, ठीक है। नंबर एक तो ये करना है। दूसरा, आपके फ़ोन की ऑटोमेटिक टच है इस तरीके से ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है, एप्लीकेशन कोई ऑटोमेटिक खुल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जीमेल नहीं खुल रही है, ठीक है, वैसी चीज़ें खुल रही हैं जो आपको नॉर्मल पता होती हैं। तो आपको देखो टच प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से जो भी गेमिंग आप करते हैं उसमें आपके फ़ोन के अंदर एक गेम्स करके एप्लीकेशन होती है, उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और इस पर आपको क्लिक करके इसे सबसे पहले यहाँ से डिसेबल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी में प्रॉब्लम आती है तभी स्क्रीन ऑटोमेटिक चलती है, ठीक है। तो इसे आपको सबसे पहले डिसेबल करना है या फिर आपका क्लियर डाटा कर दीजिए इसका, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है आपकी मोबाइल की सेटिंग में जाके कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए सॉफ्टवेयर, ठीक, अपडेट क्लिक किया जाएगा, तो आपको अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। और आप के फ़ोन के अंदर जितने भी ऐप हैं फालतू के उन्हें आपको लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल कर देना होगा, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप कर देंगे, जैसे इस तरीके से करेंगे और 100% आपकी प्रॉब्लम में वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जो भी ऐप रह जाएँ उनका आप क्लियर कैच कर दीजिए, उस पर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इनपो पर क्लिक करके फोर्थ स्टॉप पर क्लिक करके और यहाँ स्टोरेज यूज़ पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको क्या करना है क्लियर कैच कर देना है, ठीक है, और आपकी जो प्रॉब्लम है 100% फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो फ़ोन को आप क्या करते होंगे, मोबाइल चार्ज भी करते होंगे, ठीक है, और गेमिंग भी करते होंगे, सॉन्ग भी सुनते होंगे, कुछ भी उसमें चलता रहता होगा, बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो आपको लास्ट में क्या करना है, अपने पावर वाले बटन को दबा के फ़ोन को एक बार वहाँ से रीस्टार्ट कर देना होगा, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक सही हो जाएगी अगर आप गेमिंग नहीं करेंगे तो, ठीक है।